दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से बात करूंगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो मानधन योजना के लिए ना तो आपसे कोई कागज लिया जाएगा और ना ही कोई पैसा लिया जाएगा। दोस्तों अभी तक 11.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक इस देश में 11.5 करोड़ अन्नदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप इसमें शामिल हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 36,000 रुपये मुफ्त में आप पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं हैं तब भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे किसान भाई हमारे अन्नदाता धरने पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम इस वीडियो को शेयर करके उनकी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करके हम अपने इस भारत देश के हित में एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार देगी और किसानों की मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। दोस्तों अगर आप भारत सरकार की ओर से शुरू की गई सालाना 36,000 रुपये पेंशन वाली स्कीम का फ्री में फायदा ले सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आपसे इसके लिए सरकार कोई कागजात भी नहीं मांगेगी, यह योजना आपकी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कृषि केंद्रीय मंत्रालय ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम को मिलने वाले 6,000 रुपये में से सीधे मानधन स्कीम के जरिए भी पैसे कट जाएंगे। किसान को अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करना होगा। दोस्तों किसानों की पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 1 जनवरी 2021 तक 21,10,207 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये लोग चाहें तो प्रीमियम देने का नया विकल्प चुन सकते हैं जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में से ही प्रीमियम कट जाएगा। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रही है। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग भारतीय जीवन बीमा निगम पर विश्वास करते हैं और ज़्यादातर लोगों की बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ही संचालित की जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये एक ठोस और एक सुगम माध्यम हमें उपलब्ध कराता है LIC, जिसको हम शॉर्टकट में LIC कह सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो मैं इसको लेके मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और मैं आई बटन में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बेहतरीन वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है, सरकार कितने लोगों को पेंशन देगी, ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप सभी लोग हम सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है और सरकार कितने लोगों को पेंशन देगी, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब, इन दोनों सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंत में देखते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मानधन योजना क्या है, तो मानधन योजना एक पेंशन स्कीम योजना है जिसके तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इसका लाभ उन सभी 12 करोड़ किसानों को देने का प्लान बनाया है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2 हेक्टेयर 5 एकड़ तक की कृषि योग्य जमीन भूमि है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि योजना की खास बातें क्या है, प्रधानमंत्री मानधन योजना की खास बात यह है कि इनका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। नंबर 2, अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50% यानी 1,500 रुपये रकम मिलती रहेगी। नंबर 3, जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही सरकार भी प्रीमियम देगी। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा पैसा और उसका साधारण ब्याज मिल जाएगा। आखिरी है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। खास बात यह है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं भारत सरकार की एक बेहतरीन स्कीम में, बेहतरीन योजना में, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके लिए ज़रूरी बातें कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, इसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ किसी भी साइबर कैफे पर जाके उनसे जन सेवा केंद्र का जानकारी ले सकते हैं।
इसके लिए दोस्तों आप लोगों को आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है। और अगर आपको प्रधानमंत्री किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो खसरा खतौनी की नकल भी लगेगी। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, दो फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत पड़ेगी। आखिरी है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।